चाहे कच्चे तेल की बात की जाए या फिर बात की जाए म्यांमार भारत के रिश्ते की या फिर बात की जाए LAC पर भारत के मजबूत स्टैंड की, भारत ने जिस बेबाकी से अपना स्टैंड इन सभी मुद्दों पर क्लियर रखा उसके बाद दुनिया सामने झुकने को तैयार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर अपने बेबाक और सटीक बयानों से एस जयशंकर ने एक साथ अमेरिका और चीन को लपेटे में ले लिया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड दौरे के दौरान भारत और चीन के मौजूदा संबंधों से लेकर रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले पर एक बार फिर रुख स्पष्ट किया। उन्होंने थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का भी बचाव किया। विदेश मंत्री ने कहा, म्यांमार को लेकर भारत का रुख कई दशकों से एक समान बना हुआ है। हमारे संबंध ऐसे नहीं है जिन्हें आज की राजनीति से जज किया जा सके। भारत म्यांमार का निकट पड़ोसी है और उसकी समझ और हित दूरस्थ देशों से बहुत अलग है। मैं दूर बैठे लोगों की तुलना में ऐसे लोगों पर विश्वास करता हूं जो पास होते हैं, क्योंकि दूर के लोग कभी भी पल्ला झाड़ सकते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सटी सीमा की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत है। तो वहीं एस जयशंकर ने चीन को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया और चीन को बड़ी नसीहत भी दे डाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एशिया की सदी तभी संभव है जब चीन अड़ंगेबाजी छोड़कर भारत के साथ हाथ मिलाए। 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन ने जो किया उसके बाद दोनों देशों के संबंध बहुत ही मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। बता दें कि 15 जून 2020 को चीनी सैनिक गलवान घाटी में भारतीय सीमा में घुस आई थी, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके साथ ही अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल आयात करने के भारत के कदम पर एक बार फिर कहा कि इस फैसले के कई मापदंड हैं। हम अकेले देश नहीं है जो रूस से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। तेल पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। भारत कम आय वाला समाज है और तेल की कीमत में प्रति डॉलर बढ़ने पर उसका भुगतान भारतीय अपनी बचत से करते हैं। खैर, भारत ने न सिर्फ म्यांमार बल्कि चीन और अमेरिका को इशारों में ही सही, लेकिन वो पाठ पढ़ाए जिससे सुनने के बाद एक तरफ जहां अमेरिका भी भारत के सामने नतमस्तक होगा, और रही बात चीन की, तो इस बयान को चीन सदियों तक नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।